हिमाचल प्रदेश राज्य सहकारी कृषि एवं ग्रामीण विकास बैंक लिमिटेड के संपन्न हुए चुनावों में सोलन में भाजपा ने अपना परचम लहराया है। सोलन जोन में भाजपा समर्थित मदन ठाकुर ने कांग्रेस समर्थित मनीष भारद्वाज को 206 वोटों से हराकर जीत हासिल की। भाजपा के मदन ठाकुर को कुल 1987 वोट पड़े जबकि मनीष भारद्वाज को 1096 वोट पड़े, एक वोट रिजेक्ट किया गया। मदन ठाकुर ने 206 वोटों से जीत हासिल की है। कांग्रेस समर्थित मनीष ठाकुर को सोलन व सरहा से मदन लाल से अधिक वोट मिले जबकि अर्की, राजगढ़ और कंडाघाट में पिछड़ने के कारण उन्हें हार का सामना करना पड़ा। आपको बता दें कि अर्की से कुल 122 मत पड़े थे जिनमें से केवल एक ही वोट कांग्रेस को मिला है। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस के समर्थकों में रोष और मायूसी भी देखी गई और गुटबाजी के चलते इस चुनाव को अपने हाथ से गवा बैठे। मदन ठाकुर ने जीत की खुशी जाहिर करते हुए कहा कि शीर्ष नेतृत्व का वे धन्यवाद और आभार प्रकट करते हैं। उन्होंने कहा कि उनकी जीत के पीछे संगठन व ईमानदार कार्यकर्ताओं की भागीदारी है। उन्होंने जीत का श्रेय संगठन और समस्त कार्यकर्ताओं को दिया। उन्होंने कहा कि जो जिम्मेदारी उन्हें सौंपी गई है उस पर वे खरा उतरने का हर संभव प्रयास करेंगे और उनका उद्देश्य लोगों के लिए बैंक के कार्य व सुविधाओं को सरल बनाना है। पूरे हिमाचल प्रदेश में कृषि ग्रामीण विकास बैंक के जो चुनाव हुए हैं तो उसमें हर जगह भारतीय जनता पार्टी जीती है और सोलन जोन वन से सभी कार्यकर्ताओं ने बड़ी मेहनत की है। आदरणीय गुलेरिया जी, श्री राजेश कश्यप जी, रविंद्र परिहार जी, विजय ठाकुर जी, प्रदीप कंवर जी और पवन गुप्ता जी, सभी यहाँ पर कर्मठ कार्यकर्ता, उन्होंने मेहनत करके यहाँ से जो है मुझे विजय बनाया है। मैं शीर्ष नेतृत्व का और खास करके श्री जयराम ठाकुर जी के नेतृत्व में जो प्रदेश में सरकार चल रही है उनकी विकास की जो नीति है उस पर लोगों ने मोहर लगाई है। मैं कार्यकर्ताओं का और शीर्ष नेतृत्व का बहुत बहुत आभारी हूँ, धन्यवादी हूँ जिन्होंने मुझे यहाँ से विजय बनाकर भेजा है। और बैंक की बेटरमेंट के लिए जो होगा वो हम करेंगे और जनता को जो जन सुविधाएं उसमें है वो प्रदान करवाएंगे।